जो सियासी जदोजहद करने वाला था छोड़कर चला गया। और सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह पाक उन लोगों को जिंदगी दे जो दूसरे लोगों के लिए फायदेमंद है। तो सिर्फ जलाल मतलूब इनकलाबी का चढ़ने वाला था, पाकिस्तान भी उस पार्टी का सीखा हुआ एक सियासी कारकुन था, और लोगों मतलूब इनकलाबी की चाहने वाले और हम सब तो सीवुल्ला जलाल के खानदान की नस्लों के भी गुलाम है। हम अपनी नस्लों से गुजारिश करेंगे कि मिर्जे तौसीफुल्लाह जलाल की नस्लों तक गुलामी इख्तियार करनी है। यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर जनाब लतीफ अकबर साहब, कायदे हिज़्ब एख्तिलाफ जनाब चौधरी यासीन साहब, मियां वहीद साहब, सरदार मुबारक साहब और मतलूब इनकलाबी साहब की नुमाइंदगी के लिए खलील इनकलाबी साहब भी यहाँ मौजूद है, और तौसीफ से मोहब्बत के लिए खलील साहब भी यहाँ मौजूद है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा अगर आप बैठ जाए साहब तो सीबुल्ला जलाल की तुकीन के लिए, तो साहबजादा जुल्फिकार साहब जो जिस जिनके साथ वो काम करते रहे पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन में, आज उनके सबरे आगत में वो भी शामिल है। मैं तमाम अफराद से गुजारिश करूंगा अगर आप बैठ जाए तो आज मैं कोशिश करूंगा कि एक मिनट के लिए, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक मिनट के लिए मैं कोशिश करूंगा सब हाजिर लगवाएं, लेकिन अगर बैठ जाएं या लाइन पे चले जाएं तो मैं आपका मशकूर रहूंगा। मैं सबसे साजिद साहब से इत्तमाज करूंगा कि वो तिलावत करके पाक फरमाए। मीडिया के अलावा सारे बंदे भेजो जी, बाकी सारे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم पढ़िए तमाम आपसे गुजारिश है कि बैठ जाए, बड़े मेहरबानी बैठ जाए तमाम हवा पढ़िए नाम चितारन वाला किस भी मैदान निहरदा। आखिरी शेर के टुर गया मोहब्बत वाले ते नाली ले गे हार से दिल नि लगदा यार मोहम्मद ते जाइए केड़े पास। एक मिनट के लिए मैं
सहर को सहरे गुलशन कर चले आते सहर को सहरे गुलशन कर चले सुबाल वाली बाग अपना हम तो अपने घर चले मुख्तसर जिस तरह आज एक हमारा भाई तो सिर्फ चिराग जो कल अपने कायदे महबूब और मतलब इनकलाबी की वफादारी को निभाते हुए कल जिस तरह हमारे अजीम हल्के के अजीम कायद ने हमको अलविदा कह दिया आज उसी तरह हमारे भाई और मतलब इनकलाबी के नडाल और वफादार सिपाही तो सिर्फ अल्लाह साहब हमसे जला जा रहे हैं दुआ है अल्लाह ताला इनके आने वाली तमाम नाजरा सान फरमाए बहुत मेहरबानी ये मेहरबानी करें आप थोड़ा सा मेहरबानी करें इधर हो जाए आपका शुक्रिया एक मिनट के लिए जनाब के जुम शाकर साहब मैं तौसीफ जलाल के लिए सिर्फ इस शेर पे खत्म कर दो करना चाहूंगा कि मैं मर के भी बज में वफा में जिंदा हूँ तौसीफ का पैगाम है कि मैं मर के भी बज में वफा में जिंदा हूँ तलाश कर मेरी महफिल मेरा मेजार न ढूंढ वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक मिनट के लिए जनाब परवेज अकबर सदर पीपल्स पार्टी जिला कोटली अच्छा ये सामने से हट जाए प्लीज मेहरबानी करें जी शुरकाए जनाजा आज हम अपने भाई नौजवान तसीफुल्लाह जलाल के जनाजे में यहाँ मौजूद है मेरे कायद जनाब मोहम्मद मतलूब इनकलाबी जो इस दुनिया आर्थिक दुनिया को छोड़कर चले गए हैं ये तसीफुल्लाह जलाल की उनके साथ वो मोहब्बत थी और उनके साथ वफादारी थी कि तसीफुल्लाह जलाल अपने कायद का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका मैं समझता हूँ तसीफुल्लाह जलाल ने थोड़े से मुसर वक्त में अपने दादा अताउल्लाह और अपने चचा अख्तर महमूद जलाल के नक्शे कदम पर चलकर लोगों की खिदमत की है और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मिर्ज़ा तौसीफुल्लाह जलाल को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए यहाँ जाना बोलने से कुछ नहीं होगा आप हज़ार अफसोस करें और मेहरबानी करें मुझ पर और मेरे साथ कोऑपरेट करें मैं गुजारिश करूँगा जनाब जुल्फकार साहब जो साहबजादा जुल्फकार साहब जो पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कश्मीर के सबक सदर हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैं मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब की शहादत के बाद ऐ लोगों आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि तारीख में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए सात बंदों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया कल मतलूब इनकलाबी की वफात के बाद उसके चाहने वाले तीन नौजवानों ने उनकी मोहब्बत में अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया ये मोहब्बत और वफा के रास्तों के मुसाफिर अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए मैं अपना बाकी टाइम आज अपने मतलूब इनकलाबी के फरजंद वलीद इनकलाबी को देता हूँ बाकी टाइम कि वो अपने ख्यालात का इजहार आज जरूर करें यहाँ पे बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया मैं प्लीज मुझे बोलने आप छोड़ेंगे मैं बोलूंगा ना थोड़ा पीछे हो अच्छा पीछे हो जाए मेहरबानी तो मैं आप गुजारिश करता हूँ मैं गुजारिश करता हूँ जनाब माजिद शफी साहब से कि एक मिनट के लिए सर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे अजीज दोस्तों वादिय बना के लिए गम बेज़दा तुबल की एक और लहर चली कल आज़ाद कश्मीर एक कदा और रियासत की एक बड़ी शख्सियत से महरूम हो गई तो मैं नौजवानों भाइयों आपके लिए एक पैगाम छोड़ता हूँ कि हमें भी आखिरत के लिए तैयारी करनी चाहिए जैसे तौसीफुल्लाह जलाल साहब की मौत हुई इससे ये वादिय बना का सानिया ये कभी खला पूरा तो नहीं हो सकता बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी मैं एक, 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 एक मैं गुजारिश करता हूँ आप मेहरबानी करें प्लीज अगर जो यासीन साहब से पीछे जो भी आदमी अगर बैठ जाए तो ये सब लोग आपको देखना चाहते हैं अपने कायदीन को भी देखना चाहते हैं और तौसीफ की मैयत को भी देखना चाहते हैं आप बैठ जाए प्लीज तो मैं आज आपसे मैं उस शख्स के बेटे का नाम ले रहा हूँ जो आज हमें मौजूद रही
जनाब मोहम्मद वलीद इनकलाबी साहब से गुजारिश है कि वो अपने खिलाफ का आधार फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस तरह के इत्मात में और उस तरह इतना कोई प्रोफेशनल तो नहीं, लेकिन तौसीफ मिर्ज़ा साहब ना सिर्फ मेरे वालिद साहब के बहुत चाहने वाले मोहब्बत करने वाले कारकुन बेटे थे, बल्कि मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि बेटा एक मेरे बेटे तुम हो और एक तौसीफ है। तो मैंने एक दिन में ना सिर्फ अपने वालिद साहब को खोया बल्कि एक बहुत प्यारे बड़े भाई जो कि बाप की जगह होता है उसको भी खोया। मेरे पास अल्फाज नहीं, आप लोगों को बता सको कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। बस यही कहूँगा कि अल्लाह पाक रशीद भाई को रशीद भाई की आखिरी मंजिलें आसान फरमाए। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एक मिनट के लिए छोटे राग साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वस्सलातु वस्सलाम अला खातिमुन नबीयीन। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारे लिए इबरत का मुकाम है। कल हम सब लोग मतलूब इंकलाबी साहब के जनाजे की आमद की इंतजार कर रहे थे, ये तौसीफ जलाल उनके जनाजे के साथ था और आज उसी तौसीफ जलाल का जनाजा पढ़ाया जा रहा है। ये अल्लाह पाक का जो है निज़ाम है। हमारी मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक जो है उसके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए और तौसीफ जलाल को जो है वो जन्नत फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जनाब डॉक्टर अरशद वारी साहब, आपसे गुजारिश है कि मिनट के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरकाए जनाजा, आज का दिन और कल का दिन हमारे लिए सोगवार तरीन दिन है, इसलिए कि कल हमने वादिये बना के वजादार और इंतहाई मुदब्बर सियासतदान को खोया और आज बल्कि उसी वक्त उनकी तदफीन के वक्त हमने अपने एक अजीज प्यारे दोस्त और अपने भाई को खोया। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए वादिये बना का नुकसान नहीं है, ये बिलाशुबा रियासत का नुकसान है। मैं इस दुआ के साथ कि हमारे भाई मतलूब इनकलाबी साहब और उनके चहेते कारकुन तौसीफुल्लाह जलाल साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। वसलाम। मैं गुजारिश करता हूँ कि खुशुम कमर साहब आके तशरीफ लाएं, तो मैं एक मिनट के लिए इखलास से कहता हूँ। मतलूब इनकलाबी के चाहने वालों और उन पर जान निसार करने वालों, आपकी नजर सिर्फ एक बात करूंगा, बेड़ा बूटा वे बदामों से ही, बेड़ा बूटा वे बदामों से ही, जीनिया नौकरियां मोया मिट्टी वे गुलामों से ही। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब के जो कमर साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरकाए जनाजा, मैं अपने भाई और अपने दोस्त तौसीफुल्लाह जलाल की मौत और शहादत को जो है वो सलामी अकीदत पेश करता हूँ। मेरा भाई, मेरा दोस्त, आला औसाफ का मालक, एक जुर्तमंद सियासी कारकुन थे, मोहम्मद मतलूब इनकलाबी के साथ वफादारी निभाते हुए वादिये बना के लोगों, मेरे दोस्त तौसीफुल्लाह मिर्ज़ा ने एक तारीख रकम कर दी है और मैं तौसीफुल्लाह जलाल की वफादारी और इखलास और मोहम्मद मतलूब इनकलाबी से कमिटमेंट पर दिल की गरेही उसे खराज अकीदत पेश करता हूँ, हजारों सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे भाई को जो है वो जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता करे, हम सब को जो है वो सब्र जमील अता करे। मेरे नहायती मेरे प्यारे दोस्त थे, मैं इनकी शादी का दोस्त था, मेरे वालिद और इनके वालिद जो है वो एक दूसरे के शादी के दोस्त थे। मेरे भाई ने इस रस्म को आगे बढ़ाया। मैं मिर्ज़ा तौसीफ, आप सो क्यों, मैं आपको सलाम अकीदत पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर और वाकर साहब का वज़ीर तालीम जनाब मियां भाई साहब से तमाश करता हूँ कि हिरात का दर्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत
صدق اللہ العظیم. جملہ سگواران خدائے بزرگ برتر کے جو قوانین ہیں وہ اٹل ہیں، وہ حق ہیں اور سچ ہیں. گزشتہ کل کشمیر کی سیاست کے شہنشاہ، کشمیر کی سیاست کے افق پہ مہتاب بن کے چمکنے والے ہمارے محترم بھائی محمد مطلوب انقلابی صاحب کو ہم سب نے مل کے الوداع کیا. کل سارا کشمیر، کشمیر کے بسنے والے سارے انسان رنجیدہ تھے، غم زدہ تھے. جہاں محمد مطلوب انقلابی صاحب ایک منفرد انداز سیاست رکھتے تھے، ان کا وہ منفرد انداز سیاست جو ہے، وہ طرز سیاست جو ہے، وہ کل ان کے جنازے کے اجتماع میں ریفلیکٹ ہوا، ظاہر ہوا کہ ایک اچھا انسان کس انداز میں اللہ اس کو توقیر بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، بلندیاں بھی دیتا ہے. ایک طرف مطلوب صاحب کا وہ منفرد انداز تھا اور دوسری طرف ان کے چاہنے والے ہمارے دوست، ہمارے مربی، ہمارے محسن بھائی توصیف اللہ جلال. کل ہم اس کو مطلوب انقلابی صاحب کی میت کے ساتھ، جنازے کے ساتھ لپٹا ہوا دیکھ رہے تھے. اس کی محبت، اس کی طلب، اس کی تڑپ نظر آ رہی تھی. اور کیا منفرد شخصیت کا حامل وہ لیڈر، اور کیا منفرد حیثیت کے حامل اس کے چاہنے والے. سلام ہے فرت اللہ توصیف اللہ جلال بھائی، آپ کی عقیدت کو سلام ہے، آپ کی عقیدت کو، آپ کی محبت کو. آپ نے حق ادا کر کے لاکھوں انسانوں کے لیے وہ پیغام چھوڑ دیا کہ محبت ہو تو ایسی ہو. آج جہاں ہم محمد مطلوب انقلابی صاحب کے لیے رنجیدہ ہیں، دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے، وہاں ہم دعا گو ہیں توصیف اللہ جلال بھائی کے لیے. ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توصیف اللہ جلال کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اسے کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. موجود سامعین حضرات، اب میں مظفر آباد سے آئے ہوئے جناب مبارک حیدر صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ ایک منٹ میں اپنے خیرات کا عطا فرمائیں. مبارک حیدر صاحب. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم سے ایک بڑا بھائی جدا ہو گیا، انسان دوست صاحب، پیار کرنے والے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے، غریبوں کے مائی باپ اور سیاست میں رواداری اپنانے والے. اللہ پاک مطلوب انقلابی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور کالی کملی والے کے صدقے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. توصیف بھائی جو ان سے پیار محبت کرتے تھے، ایک سیاسی کارکن تھے، انہوں نے یہ صدمہ برداشت نہیں کرا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پورے علاقے کو اور ان کے لواکین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. ایک منٹ کے لیے میں سابق صدر تحصیل بہار جناب عارف ایڈوکیٹ صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس غم کے موقع پہ یہاں نڈال ہوں، وہاں ہمیں آپ جو قیادت آئی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں لطیف اکبر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چودھری یاسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ بھی ان سے عہد لیتا ہوں کہ کارکنوں کے ساتھ اس طرح کا خلوص برتا جائے، اس طرح کا برتاؤ کیا جائے کہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوں. اور میں وادی بنا کی طرف سے یہ آپ سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ وادی بنا میں ایسے نوجوان موجود ہیں جو آتی تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کا غم، اس کا ٹائم ایسا تھا کہ وہ صدیوں یاد رہ گیا. یہ تاریخ بنا گیا، یہ اپنے دادا کی تاریخ دہرائی ہے، اس نے اپنے والدین کی تاریخ دہرائی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت کرے. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت مہربانی. میں موزد سامین آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر دو چار منٹ اوپر ہو جائیں تو یہ آپ کے مہمان ہیں، یہ آپ کے قائدین ہیں، یہ آپ کے دلوں کی دھڑکن ہیں، یہ آپ کے وارث ہیں. اور میں مدد چاہوں گا، میں گزارش کرتا ہوں آزاد کشمیر کی اپوزیشن لیڈر کے جناب چودھری محمد یاسین صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دل و جان ہیں، کہ وہ اپنے خلاف کا دعویٰ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
नहायती मोहतरम शुरकाए जनाजा, सच्ची बात है जुबान और अल्फाज साथ नहीं दे रहे। कल रियासत की एक अजीम शख्सियत, एक अजीम सियासी रहनुमा, साबिक वजीर तालीम, मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरी आन जनाब मोहम्मद मतलूब इंकलाबी साहब हमें छोड़कर अल्लाह तबारक ताला के पास चले गए। मतलूब इंकलाबी की सियासी जिंदगी जो है बड़ी खुली किताब की तरह है। उन्होंने सियासत PSF के प्लेटफार्म से शुरू की ज़माना तालब इल्मी में, और अपनी मेहनत के बल बोते पे जो है वो कौमी सियासत के उफुक पे छा गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मशीर रहे, रियासत के वज़ीर तालीम रहे। आप शराफत, रवादारी, दयानतदारी, अखलाक, सीरत और वफादारी के पैकर थे। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से मेरे अजीज़ मिर्ज़ा तौसीफ़ुल्लाह जलाल उनसे अकीदत रखते थे, मोहब्बत करते थे, मैं चूँकि इंकलाबी साहब जो चार दिन अस्पताल में रहे, चार पांच दिन, मैं भी रोज़ वहाँ जाता रहा, तो मिर्ज़ा तौसीफ़ जलाल की हालत जो है वो देखी नहीं जाती थी। परसों मुझे मेरे अजीज शायद गुजर साहब ने ये कहा कि तौसीफ़ जो है वो बहुत परेशान है, और मेरे साथ लिपट के रोया। उसने कहा साहब को बचा लो, साहब ना रहे तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। और कल जो है शायद गालिब ने ऐसे ही नौजवानों से, वफादार नौजवानों के लिए कहा था कि वफादारी बशर्ते इस्तवारी असल ईमान है। इन्होंने जिस तरीके से जान दी, यकीन नहीं आता कि एक बंदा दो दिन पहले कह रहा था कि अगर ये ना रहे तो मैं भी नहीं रहूँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे नौजवान जो है वो इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। दो और नौजवान भी कल जो है वो इस दुनिया पे छोड़ गए मोहम्मद मतलूब इंकलाबी साहब की मोहब्बत में। मैं इन तीनों नौजवानों को खराज अकीदत पेश करता हूँ, और मिर्ज़ा तौसीफ़ुल्लाह जलाल साहब के ख़ानदान, उनके वालिद साहब, उनके भाइयों, उनके कज़न्स और उनके तमाम रिश्तेदारों से, उनकी वालदा मोहतरमा से सबसे दिली तौर पर जो है अफसोस और रंज और गम का इज़हार करता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला मोहम्मद मतलूब इंकलाबी साहब समेत मिर्ज़ा तौसीफ़ुल्लाह जलाल और इनके दूसरे जो दो साथी फारूक और एक और नौजवान का नाम नहीं याद रहा जो कल वफात पा गए, इनको शहरयार, इनको करवट करवट जन्नत फरदोस में जगह नसीब अता फरमाए, और इनके लवागीन को सब्र जमील और की जो है वो हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। चूँकि चौधरी साहब ने भी खिताब करना है, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने, और जनाजे का टाइम भी हो गया है, मैं इसी पर इजाज़त चाहता हूँ। वाखुर बिलाल, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मतलूब इंकलाबी साहब शहीद के भाई मास्टर महबूब साहब भी मौजूद है, उनकी तरफ से भी हज़ारे अफसोस है। मैं बेशुमार दोस्तों को यहाँ, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा, मैं वक्त नहीं दे सका। मैं जनाब अफ्ताब को भी, उससे भी सारी करता हूँ, वो इनके दोस्त थे। मैं बहुत से सारे दोस्तों से, मैं नून लीग के मरकज़ी रहनुमा इस प्लेटफार्म के करीब नहीं थे, मैं उनसे मदद चाहता हूँ, अगर होते तो मैं उनसे भी कहता कि वो अपनी अखिरात का अदार करते। एक शेर के बाद मैं जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर के सदर लतीफ़ अकबर साहब को दावत दूंगा कि ले आओ यार हवा ले रब दे ते लगियाँ पैन जदाइयाँ बस नहीं साड़ा चलता तुरे सिखमुआर चाहिए। मैं जनाब चो लतीफ़ अकबर साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाओ अखिरात का दर्द। एक सदे के बाद दूसरा सदे, दिल नहीं मानता, यकीन नहीं आता कि ऐसा भी कभी हो सकता।
एक क्यामत कल गुजरी, उससे पहले एक क्यामत मियां कासिम साहब की वजह से, और आज एक क्यामत तशरीफ की सूरत, और एक और क्यामत हम पे गुजर गई है कि सरदार गुलाम सिंह एक सवाल हम पे ली थे। मैंने बहुत सुना, बहुत पढ़ा था, तो कहते थे अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारी जगह अपनी जान दूंगा, लेकिन मैंने किसी को किसी के साथ बहुत कम मरते हुए देखा। इस तौसीफ को मुझे इसके खानदान भाई ने आज बताया, उसने कहा, इसको मैंने फोन किया कि बत्तू साहब का क्या, उसने कहा कि अगर बत्तू साहब रहे तो मैं भी जिंदा नहीं हूँ, ये बात है, और उसने सच कहा। ये बत्तू साहब के कितना करीब था ये मुझे पता है, बत्तू साहब इसके बारे में क्या राय रखते ये मुझे, मुझे बहुत इस जैसे नौजवान सियासत में बहुत कम, जो अपने किरदार की वजह से, जो अपने अखलाक की वजह से आज लोगों के दिलों में इतना बड़ा जवाब, डेफिनेटली यकीनी तौर पर लोग उसके किरदार से वाकिफ थे। तौसीफ का मेरे साथ बहुत ज़्यादा दर्द, मैं हमेशा तौसीफ को और ज़ायद भट्ट को, कयूम कमर को और बेशुमार लोग चौधरी फाजल साहब हो, मतलूब साहब वैसे मेरा इनका बड़ा ज़ाती दिल के साथ है। अब मैं क्या बयान करूँ, मैं ये आपका नुकसान नहीं है, ये हम सब का नुकसान है। मैं पीपल्स पार्टी खूब डटा के दोस्तों को ये बात कहना चाहता हूँ, मैं उसके ख़ानदान को भी ये यकीन दिलाता और याद करता। अब मुझे इस बात का इल्म नहीं है मैं कितने दिन जिंदा रहूँगा, नहीं इस दुनिया की बेसबाती का जिस तरीके से मतलू साहब और तौसीफ चले गए मुझे तो खुद बिल्कुल कोई यकीन नहीं, लेकिन मैं जिंदा रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि मतलू साहब की कमी आपको महसूस हो, यानी कि नहीं तौर पर वो मैं पूरा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इनके ख़ानदान के साथ जो मुमकिन हो सका हम तावन जारी रखें। मेरी ये ख्वाहिश और बतलू साहब के भाइयों की भी ये ख्वाहिश थी, उनके ख़ानदान की और पार्टी के पूरे लोगों की ख्वाहिश थी कि बतलू साहब और इनका कब्र एक जगह पे एक दूसरे के पहलू में रहे, लेकिन इनकी वारदात ने सुनाया नहीं। लेकिन आज मैं ये ऐलान करूँ उनकी जानब से, उनके ख़ानदान की पीपल्स पार्टी की जानब से कि कल मतलूब साहब का तौसीफ का कुल बेनज़ीर उस जन्ना में इकट्ठा होगा, और इंशाल्लाह ताला एक ही दिन ये फौत हुआ 30 नवंबर को, अब इनकी बरसियां भी हम इकट्ठी बनाएंगे ताकि किसी को ये एहसास ना हो कि तौसीफ कोई कम शख्स था। हम इंशाल्लाह ताला इसके रुतबे के लिए दुआ गौर है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से, मोहतर फरियाल तुल्लुपा की जानिब से, कमर जमान कायरा साहब की जानिब से, राजा परेश साहब की जानिब से, दगीर बुखारी साहब की जानिब से, सब की जानिब से उन्हें मैसेज किए, उन्हें फ़ोन किए, ये क्या हो गया मैंने उनके बताइए सारी बात, उनकी जानिब से भी इजहार तहज़ीद करता हूँ। एक बार फिर आप तमाम अल्लाह से गुजारिश करूंगा कि जनाब मतलूब क़लाबी साहब के लिए, मिर्ज़ा तौसीफ़ अल्लाह जनाब साहब के लिए और जो दूसरे दो शहीद हुए हैं उनके लिए भी आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन।
सफे मुकम्मल फरमाए जी, तमामी अखबार सफों में हो जाए। मेहरबानी अहबाब सफे सीधी कर लें और जो दूर से मेहमान आए हुए हैं उनके लिए खाने का इत्तमाम है, वो खाना खा के जाएं। अहबाब अपनी सफों में हो जाए, सफे सीधी कर लें। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. नमाज जनाजा अदा किया। तमाम जमील मोमिनीन को माफ़ फरमा, जन्नत में आरफा वाला मुकाम अता फरमा, कब्र की मंजिल आसान अता फरमा, कब्र के अंदर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शफाअत कुबरा बार बार ज़ियारत नसीब अता फरमा। मौला पाक इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा, सबर के बदले आज़री अज़ीम अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला हबीबिना।
दोस्त सज्जन ने सारे तरफ में थोड़ा शुक्रगुजार है थोड़े पिछे माड़े बारे माड़े प्यो थोड़े प्यो को अबू सरगी लाए अबू जागने अबू की लत्ता दर्द हो गया तू आखिया नहीं डॉक्टर कोठरी जुट संघ डॉक्टर को अल्लाह बच्चा तू उन चीजा ना जे अजीम दे मेरा परवरदगार इनकलाबी साहब की और दूसरे जो दो इस सारे बड़े सारे जितने भी उन्होंने सारे वास्ते मैं दुआ को सारे की अल्लाह ताला ते बेहद शुक्रगुजार सारे ने बेहद शुक्रगुजार माड़ियों पीरों में सेब खाई किंदे सर माड़े पुत्रो कड़े लाओ पर तो बगैर कोई बंदा बिलकुल जड़े भी माड़े भ्रा माड़े करू हो चाहे जासन माड़े तो सिर्फ ने करू कायनात ने मालक सुन जिन्हों वास्ते बनाई गई भी माड़े तो सी पिछे सारे बंदे सारे में बेहद शुक्रगुजार माड़े उसने दोस्त भाईचारे सबर तू असा करी गए क्या बगाड़ी सकते सोने रब उसने कर्म उसने आज नहीं है आज जी उसकी पसंद है वो सोने रब की आज जी पसंद है खबर माड़े बच्चे वास्ते दुआ उस वास्ते दुआ अल्लाह माड़ा बच्चा
अल्लाह हमारा बच्चा बहुत बड़ा मुकाम बहुत बड़ा हमारे यार क्या हाल है हमारे यार क्या हाल है हाँ नहीं तो कुछ سب پورا کمبا خبیدا ٹری گیا تو اس پیچھے ماڑا سرکردا دا او اللہ دے اللہ اللہ سارے اچھیاں خبر ملیں تا میں زندہ دعا اگر او مرزا جی تو توصیف ساری دنیا نا توصیف سارے نا میں جنہاں نے ملی سکی دعا نہیں ہے پئی دعا مارے توصیف واسطے سارے آمین او مارے خان گیا اچھا ہے صبر تو بغیر نہیں صبر دیو اللہ اس کی حجر عظیم دے ہمارے بچے کی جس بچے سارا کنبا کبیلا ماڑا پورا کنبا کبیلا اس بچے پیچھے آیا عزیزر میرے بچے واسطے سارے جی اپنا نظام بٹ صاحب میں بے حد مشکور ہوں راتی تو پیار راستی ہمارے واسطے ہمارے بچے واسطے دعا کرو اللہ اس کی اعلیٰ مقام عطا کرن اللہ میاں عطا کرن اس کی اعلیٰ مقام سارے والدین واسطے ہی ہے اپنے بچوں نے کچھ قبریاں ملیاں ہوں تو سایا بستہ وچ اج کوئی بھی ایک ادھی بھی ہونی نہ ہے اج ماڑا جان نکلی جائے ختم ہو جائے اس نے نام جی
हक ला इलाहा इल्लल्लाह हो मुहम्मद सरवर सल्ले अला पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला मुसाफर खाना ते की एथों ले जाना ओ यार बना ले कमली वाला जे तू जन्नत जाना हकला इलाहा पढ़ो ला इलाहा इल्ला ए दुनिया इक चक्की यारो ते असियां इस दे दाने ओ दुनिया तू सबने जाना की राजे की राने ते दुनिया एक मुसाफर खाना एथे कोई आवे कोई जावे ओ किस दी जुर्रत मुहम्मद बख्शा एथे पक्के डेरे लावे हक ला इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा ते टुर गए वाले टुर गए यार मोहब्बता वाले ते ले गए नाल हसे ओ दिल नहीं लगदा यार मुहम्मद हुन जाइए केड़े पासे लगदा ओ यार मुहम्मद हुन जाइए केड़े पासे ते चंगी मंदी सजना कोलो सैवारी हो जांदी पर यार यारादा गिला नहीं करे दे होवे असल परीत जिना दीत जिस यारी विच लालच होवे ओ कदे भी तोड़ न चढ़ दी चादर लीरो लीर मुहम्मद कंडियां दे विच अड़दी हक ला इलाहा इल्लल्लाह